हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सोना। नमस्ते, कैसे आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि फाइनली हमारी चैनल ने, यूट्यूब चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतना प्यार दिया मुझे, मेरे वीडियोस को। और मैं हर उन इंसान को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब करा है, जो मेरे वीडियोस देखते हैं, इतना टाइम निकाल के मेरे लिए, टाइम निकाल के मेरे वीडियोस देखते हैं। तो उनके लिए थैंक यू वेरी मच। जितना मैं थैंक्स बोलूँ उतना कम है। तो सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। एंड इन सबका क्रेडिट आप लोगों को ही जाता है। और ये जो 1000 सब्सक्राइबर्स है, ये बहुत ही अच्छे दिन मेरे कंप्लीट हुए थे। 26 जनवरी के दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे। और उसी दिन मेरी भाभी है, मौसी की बहू, तो उनकी जो लड़की है वो मुझे बहुत पसंद करती है। वो मेरे सारे वीडियोस देखती है, सारे शॉर्ट देखती है। शादी में गए थे वो लोग और उसने कहा कि मम्मी चलो ना सोना बुआ के घर चलते हैं। तो फिर मेरी भाभी का फोन आया और उन्होंने कहा कि हम लोग आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आ जा। और उसी दिन रात को वो मेरे घर पर आई थी। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मुझे पता है कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो लोग बिगनर होते हैं, जो इतना स्ट्रगल करके आगे आते हैं, और उनको मतलब बहुत खुशी होती है जब उनके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं। और मैं सही बताऊँ, मेरी जर्नी की अगर बात करूँ तो बहुत आसान नहीं रही है। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मैंने हार्डवर्क किया है। जो लोग शुरू से मुझसे जुड़े हैं, मेरे वीडियोस देखे हैं, उनको पता होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मैंने ही मेहनत की है, सारे यूट्यूबर्स बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि जो लोग फेमस हो जाते हैं उनको लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं, उनके वीडियो देखने लगते हैं। लेकिन जो लोग बिगनर होते हैं उनको जल्दी से कोई सपोर्ट नहीं करता है। और इसी बीच है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरे जब 500 सब्सक्राइबर्स थे, फिर यूट्यूब का एक रूल्स आया कि जिन्होंने भी हाइड करके रखे अपने सब्सक्राइबर्स, तो वो सारे शो होने लगेंगे, चाहे वो बिगिनर हो या फिर कोई फेमस यूट्यूबर हो, कोई भी हो, सबके जो यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स है वो शो होने लगेंगे। तो तब मुझे, मैं सही बताऊँ, लिटरली मुझे इतना बुरा लगा। मुझे ऐसा था कि पता नहीं अब शो होंगे तो कोई सब्सक्राइब करेगा कि नहीं। क्योंकि होता है ना, ऐसा होता है कि जब कोई देखता है कि 500 या 600 ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, तो या तो इसका कंटेंट अच्छा नहीं होगा, या तो फिर इसकी वीडियोस अच्छी नहीं होगी, जो भी हो, मतलब ऐसा कुछ सोच के कोई सब्सक्राइब नहीं करता है। और जो लोग फेमस होते हैं तो उनके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं ऑफकोर्स ज्यादा ही होंगे, तो उनको जल्दी से लोग सब्सक्राइब करते हैं, उनके वीडियो देखते हैं। जो लोग बिगिनर होते हैं उनको प्लीज सपोर्ट करिए। मैं मेरा ही नहीं बता रही हूँ। और मैं सच बताऊँ तो जब मेरे 500 थे, तब 500 या 550 थे, और तभी शो होने लगे थे मेरे सब्सक्राइबर्स, तो मुझे इतना बुरा लग रहा था। मुझे ये था कि पता नहीं अब कैसे होंगे 1000 सब्सक्राइबर्स, कैसे होंगे। लेकिन 550 या 500 थे, 500 ही मालूम है ना, तो 500 से 600 तक का सफर मेरा बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहा। फिर 600 से 800 तक का सफर मेरा अच्छा रहा, काफी स्पीड में मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे थे। और फिर 800 के बाद एकदम से स्पीड कम हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो ऐसे करके मैं सही बताऊँ तो मेरे 1.25 साल जितना हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया, तब जाके मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। तो बहुत मेहनत की है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिन लोगों ने मुझे शुरू से देखा है उनको पता होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है। तो जो लोग बिगनर होते हैं प्लीज़ उनको छोटा मत समझो। मुझे छोटा वर्ड एक्चुअली बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। आप अभी भी मेरी चैनल पे जाके देख सकते हो, मेरे चाहे शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, आप वहां जाकर देख सकते हो कि मेरे व्यूज कितने कम हैं। मतलब मैं सर्च करूँ तो बीच में फिर भी मेरे थोड़े ठीक ठाक व्यूज आते थे, और जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट की थी तब मेरे अच्छे व्यूज आते थे, लेकिन अब पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज आते मेरे, बहुत ही कम। आप खुद चेक कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि यार ये सब क्या हो रहा है। मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कुछ डिफरेंट लेकर आऊँ आपके लिए, कुछ डिफरेंट लेकर आऊँ। तो मैं अलग अलग तरह के वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग वीडियो बनाती हूँ, हॉल वीडियो बनाती हूँ, कुछ नया लाने का कोशिश करती हूँ। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप लोग एक्चुअली में कैसे
वीडियो देखना चाहते हो, क्या कंटेंट में लेकर आओ आप लोगों के लिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, तो मैं उस टॉपिक पर जरूर से वीडियो बनाऊंगी। और नेक्स्ट जो भी वीडियो आएंगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले। भी यूट्यूबर छोटे से ही बड़ा बनता है ना, वो लोग जीरो से ही आगे आते हैं, के में आते हैं, फिर एम पे आते हैं, मिलियन, फिर बिलियन, ऐसे। तो शुरुआत तो जीरो से ही होती है, तो किसी को भी छोटा मत समझिए। उसके काम को आप लोग देखिए, उसकी मेहनत को देखिए, उसका जो हार्ड वर्क है वो कितनी मेहनत करती है, ये सब आप देखिए। बंदी हो या बंदा हो, सबको, मैं तो बोल रही हूँ, सबको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बिगनर बहुत स्ट्रगल करता है, बहुत मेहनत करके आगे आता है वो। और मैं सच बताऊँ तो जब ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो थोड़ा ईजी हो जाता है ये सब मैनेज करना, क्योंकि पता होता है कि ये काम इनका है, ये काम इनका है, तो मैं कब फ्री रहूंगी, तो मुझे ये काम करना है, मैं फ्री टाइम पे मेरा यूट्यूब का काम करना है, तो थोड़ा मतलब पता रहता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हो ना, तो सब कुछ मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि घर, बच्चे, फिर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती है, और फिर साथ में यूट्यूब चैनल चलाना, उसको हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैं सही कहूँ तो बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था कि मेरे व्यूज ही नहीं आते थे। मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आती थी, लेकिन व्यूज नहीं आते थे, तो मैं अंदर से पूरी तरह से टूट गई थी। लेकिन मेरे बच्चों ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, उन्होंने कहा कि इस तरह से हार मानने से कुछ नहीं होगा, तू बस मेहनत करती जा करती जा, कभी ना कभी तो कोई वीडियो तेरा वायरल होगा ही। तो उनकी बातें सुनकर मैं ना थोड़ा मोटिवेट हो जाती थी, और तब मैं वीडियो बनाती थी। लेकिन सच कहूँ तभी मैं मतलब ऐसे मन से नहीं बनाती थी, जैसा मैं पहले बनाती थी वैसा अंदर से वो इच्छा नहीं होती थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन इन लोगों की बातों को याद करके मैं वीडियो बनाती थी। लेकिन देखो, अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं, और बुरे दिन भी आते हैं तो वो भी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते, अच्छे दिन भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो कभी भी हार नहीं मानना है। हाँ, कभी कभी दुख होता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी जब व्यूज नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, तो बहुत बुरा लगता है, मुझे पता है, इसका एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। लेकिन हमें हार नहीं माननी है, और मैं सही बताऊँ तो इस लाइन में आने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने ऐसे ही मेरे बच्चों के साथ बैठी थी, और मैंने ऐसे बोला कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, तो और मेरे बेटे ने मुझे है ना यूट्यूब चैनल बना के दे दी, और कहा कि मम्मी अब बस आप इसमें वीडियो बनाओ और अपलोड करना। और मैं सही बताऊँ तो मेरे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं है जिनका मतलब यूट्यूब से कहीं तक कोई ताल्लुक ही नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसे में खुद को स्टैंड करना इस लाइन पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने किया, और आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए, तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, और इसका सारा क्रेडिट जाता है आप लोगों को। क्योंकि अगर आप लोग मेरे वीडियोस नहीं देखोगे, मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे, मेरी चैनल को शेयर नहीं करोगे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, तो कौन देखेगा मुझे। तो आप लोग बहुत ही महत्व का रोल प्ले करते हो इसमें, और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, सब लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कभी भी मेरी मदर इन लॉ ने या फादर इन लॉ ने कभी भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और आप लोगों ने कई वीडियो में देखा भी होगा, मेरे फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, सबको देखा भी होगा आप लोगों ने, सब लोग सपोर्ट करते हैं। और हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है, और हम लोग जा रहे हैं घूमने, और कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको है ना चार ऑप्शन देती हूँ, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो चलो फटाफट से मैं आपको चार ऑप्शन दे देती हूँ, लेह लद्दाख, केरला, गुवाहाटी या फिर कुर्ग, ठीक है। ये चार ऑप्शन है, तो आप जल्दी से मुझे बताइए कॉमेंट में कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, जल्दी से बताइए, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे। एंड ऑल्सो ब्लाउज को लेकर कुछ वीडियोस आने वाले हैं, 2023 में कौन से डिजाइन वाले ब्लाउज इनमें रहेंगे, आप कैसे डिजाइन के ब्लाउज सिलवा सकते हो, स्टिच करवा सकते हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा मैंने कुछ ब्लाउज स्टिच करवाए हैं, तो वो सारे डिजाइन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही जल्द, और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस, ब्लॉग्स वगैरह लाऊंगी आप लोगों के लिए। तो बस इसी तरह प्यार बरसाते रहिए। मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और
जो भी बिगनर लोग हैं, आई थिंक उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा उन लोगों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कभी भी हार नहीं मानना है, बुरे दिन आते हैं तो अच्छे दिन भी आते हैं, ठीक है। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, एंड चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और जो बेल आइकन है वहाँ प्रेस करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ताकि घूमी घूमी वाले जब भी कोई ब्लॉग आए तो आप लोगों से मिस ना हो, तो इसलिए ऑल ऑप्शन पे जरूर से क्लिक कर देना। एक बार फिर से आप सभी का दिल से दिल से दिल से धन्यवाद, आप सभी का, आप लोग बहुत अच्छे हो, सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तो मिलते हैं अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ, नए नए आइडियाज के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय।